पत्थर देख रहे हैं और ज़मीन पे एक पत्थर भी आप देख रहे होंगे जो लग रहा है बिल्कुल मानव आकृति के जैसा। ये देखने पे बिल्कुल आपको लग रहा है कि ये मानव का आकृति जैसा लगता है, पत्थर कोई लिटा दिया गया है, सामने सर और नीचे ये हिस्सा शरीर। ये एक मेगालिथ है, ऊंचाई तो बहुत ज़्यादा नहीं है, परंतु अक्सर जनजातीय क्षेत्रों में पत्थरगढ़ी समारोह होता है। जब कोई आदिवासी मरते हैं तो मरने के बाद पत्थरगढ़ी समारोह होता है, और इस जगह जो दिखा रही है बीरबीर गांव में अवस्थित है, यहाँ पर भी मेगालिथ है। और हजारीबाग के एक मेगालिथ विशेषज्ञ सुभाषिस दास ने बहुत पहले इसके बारे में अखबारों में भी लिखा और शहर के मोड़ पे एक उस जगह को रखा जहाँ पर कि इस मेगालिथ को आप देख सकते हैं। इसके अलावा झारखंड में कई सारे ज़िले, विशेषकर रांची के सोना हाथों के पास चक्का हाथों गाँव है, वहाँ पर तो कहा जाता है मुंडाओं का एक कलेक्टिव ब्यूरियल अर्थात सामूहिक कब्रगाह है, और उसके बारे में कहा जा रहा है कि मांग किया जा रहा है कि विश्व दाय स्थल अर्थात वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उसको शामिल किया जाए। जो लोग उस जगह को देखे होंगे या तो YouTube पे भी आप देख सकते हैं, गूगल इमेज में भी देख सकते हैं, रांची के पास चक्का हाथू गाँव का नाम है, वहाँ पर एक बहुत सारा एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। जैसे आप इस ग्राउंड को देख रहे हैं, यहाँ पर उस रूप में नहीं है, लेकिन वहाँ पर तो चारों तरफ लगता है कि विभिन्न रूप में कुछ कुछ का आकृति, जैसे ये लगभग एक खड़ा है, लेकिन वहाँ पर गोल रूप में, यहाँ पर तो ये मानव आकृति बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। केरल में आप इस तरह का देख सकते हैं कि वो लगता है कि वो एक कब्र जैसा बना दिया जाता है, उसके ऊपर गोल पत्थर जैसे चक्की रख दिया गया, उस तरह का वहाँ पर रखा गया है। ये देखिए, ये मैं करीब यहाँ 5वीं बार आया हूँ, इसके पहले भी जब आता था दोस्तों के साथ बोलते थे कि इधर चलो जाते हैं, आज 1 जनवरी था तो लगा कि ये सबसे बढ़िया जगह है इस मेगालिथ के बारे में, इस जगह के बारे में लोगों को बताने का। कुछ लोग हैं जो जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए अभी भी अनभिज्ञ है। शहर में रहना, पलना, पढ़ना, फिर किसी और बड़े शहर में चले जाना माइग्रेट करके, फिर वहाँ नौकरी पैसा करना, लेकिन जब आप वापस अपने शहर में आते हैं और इस रूप से शहर को देखना शुरू करते हैं, गाँव सुदूरवर्ती क्षेत्र में की आपको जानकारी मिले, तो ये एक अनोखा अनुभव है। वरना क्या होता है, इंटरनेट के दुनिया में बैठ के पूरी दुनिया को हम अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं और अपने शहर से भी आप अनजान रह सकते हैं। ये देखिए सामने एक झुलझुल पहाड़ है। ये पहाड़ का आकृति यहाँ शायद धुंधला दिख रहा हो, लेकिन इसके बारे में कहा गया कि ये पहाड़ नहीं, ये पहाड़ी है। पहाड़ और पहाड़ी के संबंध में भूगोल में कोई ज़्यादा नहीं है, एक 800 मीटर का मानक बना लिया गया कि 800 मीटर से जो ऊँचा है वो माउंटेन है, उससे जो नीचे है वो हिल है, हिलॉक है। लेकिन इसमें पहाड़ी के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो ये एक स्त्रीलिंग के जैसा बोध होता है। इस पहाड़ी को अगर आप गौर से देखें तो ऐसा लगेगा कोई स्त्री लेटी हुई है, उसका बाल जो है नीचे पीछे गिरा हुआ है और सामने एक उठा हुआ पेट अर्थात बेबी बम्प दिख रहा है, नीचे घुटने वो पैर दिख रहा है, तो इसलिए इस कहा जाता है कि ये पहाड़ी है। और बहुत सारे क्षेत्रों में उड़ीसा में जब पॉस्को का जो वो डिले हो रहा था काम के लिए कंपनी का, तो उसमें कहा गया था आदिवासियों के देवी या देवता उसमें रहते हैं, बाद में वो डील फाइनल हो गया। लेकिन इस पहाड़ी को समझने में जब मुझे बताया गया कि अगर इस तरह का आकृति किसी जगह दिखे कि लगे कि कोई स्त्री लेटी हुई है, उसका पैर है और उसका उठा फूला वो पेट दिखे, तो वो बिल्कुल पहाड़ी माना जाता है। तो उस नज़र के बाद जब हम देखे तो लगा कि हाँ, इस तरह तो कई जगह दिखा है, लेकिन हर जगह ऐसा दिखता हो नहीं। हिमालय में आप जब जाते हैं, खासकर मध्य हिमालय में, तो इस तरह का कभी चोटी आपको नहीं दिखेगा, वहाँ तो ज़्यादा ऊँचा, क्योंकि सब एक दूसरे से लगता प्रतिस्पर्धा किए रहता है, और वहाँ के जो मीटर में जब आप ऊंचाई को जानते हैं तो लगता है कोई 50 या 100 मीटर नीचे कम या ज़्यादा है। इस तरह से ये देख रहे हैं सामने एक ऐसा क्षेत्र है, कहीं ना कहीं इस अभी भी एक हजारीबाग में आदिवासियों की एक ठीक ठाक जनसंख्या है, और ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पीछे पहाड़ है और उस पहाड़ के जस्ट कुछ दूर 10 किलोमीटर चुरचू ब्लॉक है, वहाँ संथाल जनजाति भी पाया जाता है। और ये देखिए मेगा चारों तरफ ये पूरा खुला खेत, ये वो खेत है जिसके बारे में कहा जाता है दौन झारखंड में दो तरह की ज़मीन के बारे में बात किया जाता है। और इसमें वो है, देखिए ये जो करीब 8 महीना लगभग लोगों को माइग्रेट करने के लिए विवश करता है, ये वो खेत है जो सिंचाई से अभी भी वंचित है, और करीब करीब 8 महीना इसमें कोई खेती नहीं होता है और मात्र 4 महीना ही लोग यहाँ पे आते हैं। और इसका कारण आप देखते होंगे कि एक जो हम लोग बोलते हैं चक्रीय रोज़गार, या कि कुछ महीनों के लिए लोगों को रोज़गार मिलता है और वो दिल्ली मुंबई सूरत से वापस लुधियाना, हाँ आ गया, और इसका ये मेगालिथ में है। ज़मीन में गड़े हर पत्थर के बारे में अगर ये सोचना कि ये मेगालिथ है तो ये गलत है, उसके पीछे कुछ होता है। और ये इसका एक खगोलीय महत्व है, अक्सर हम लोग सिर्फ बोल देते हैं आदिवासी लोग
कि जो कोई मृतक व्यक्ति के शव के ऊपर गाड़ा जाता है, ऐसा कोई नहीं है। कुछ समय पहले रामदयाल मुंडा के बारे में जब वो हुआ था पत्थलगड़ी समारोह, तो रांची से बहुत सारे लोग जुटे थे, उसका खगोलीय महत्व है। और कुछ दिन पहले मुझे एक आदमी ने पूछा कि सूरज किधर से निकलता है, तो मैं चुप हो गया। मैं सोचा जरूर कुछ बात होगा, तभी ये पूछा गया। तो उन्होंने कहा कि सूरज सिर्फ साल में दो ही बार पूरब से निकलता है, बाकी कभी पूरब से नहीं निकलता है। वो हमेशा पूरा एंगल बदल बदल के निकलता है। तो हम समझ रहे थे, क्योंकि हम लोग जब जानते हैं कि सूर्य जो है सालों भर यात्रा करती है कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में, और वो 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन जब वो आती है विषुवत रेखा के पेट, उसी दिन वो मानी जाती है कि सूर्य पूरब से निकली है, अन्यथा वो पूरब से थोड़ा थोड़ा दिशा बदल के। ये देखिए, एक समीप बीरबीर गाँव है, ये बीरबीर गाँव के कारण ही कहा जाता है बीरबीर वाला मेगालिथ। मेगालिथ ग्रुप में जो कम चर्चित है, लेकिन ये कहा जाए माइक्रोलिथ भी नहीं कहा जाता, क्योंकि माइक्रोलिथ तो बहुत छोटा छोटा होता है। ज़्यादातर म्यूजियम में अगर आप भारत के म्यूजियम में देखे होंगे तो माइक्रोलिथ के रूप में जो बहुत लगभग सेंटीमीटर या कुछ इंच के रूप में देखा गया, जैसे हस्तकुठार वगैरह या उससे भी और छोटा, जिनका शुरू में पाषाण काल में प्रयोग किया जाता था। और आज भी हम लोग देखते हैं कि लंबे समय के इतिहास को, जब भारत के इतिहास या मानव जाति के इतिहास पर बात करते हैं, तो शुरुआती जो स्टोन एज है अर्थात पाषाण काल, उसमें लिथ अर्थात पैलियोलिथ, मेसोलिथ और नियोलिथ की बात करते हैं, अर्थात पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और ये लिथ ही लिथोस्फेयर, और ये देखिए जो कहीं ना कहीं ये पूरा लिथ एक जुड़ा हुआ है, धरती चट्टान और महापाषाण, ये लिथ से जुड़ा हुआ चीज़ हर जगह आपको दिख जाएगा। ये गाँव में है, लेकिन ये पत्थर का अब ये पता करना कि ये आग्नेय चट्टान है कि अवसादी चट्टान है, तो हम लेकिन रंग रूप से लग रहा है जैसे कि ये आग्नेय चट्टान है, और आग्नेय चट्टान ही बाद में अवसादी चट्टान बनता है। ये पूरा एरिया एकदम खुला है, सामने आप बहुत जगह देखते हैं, जैसे लगता है ना कि एक लैंडस्केप तो है ही, लेकिन लैंडस्केप में कहीं कहीं महुआ का पेड़। इधर झारखंड आने पर महुआ के बारे में कुछ ऐसी ऐसी जानकारी पता चला जो इसे नहीं था, महुआ मसाला, अभी तक महुआ के बारे में, महुआ से केक बनाना, महुआ के तीन चार डिश ऐसे ऐसे मुझे पता चले जो आज से पहले महुआ बने सिर्फ शराब या उसके तेल से, बीज से जो तेल बनता है, लेकिन महुआ का भोज पदार्थ के रूप में जो विशेष रूप से प्रयोग होने लगा। और खासकर पता चल रहा कि महुआ का अचार, इसको झारखंड सरकार प्रमोट करना चाहती है महुआ के अचार को, क्योंकि सब अभी भी बहुत कम लोग झारखंड में होने के बावजूद भी बहुत कम लोग जो ग्रामीण अंचल में ज़्यादा रहे वो खाएँ होंगे ये जानते होंगे, लेकिन अक्सर लोग सब ये देखिए वो नस्ल जो कहा जाता है कि झारखंड में जो पशु नस्ल है भारत में वो उच्च दूध देने के लिए नहीं, ये आप देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कांगो में, अफ्रीका में आप देखते होंगे जीटीवी में कि एक बाइसन का झुंड चलता है, मगरमच्छ उसको पानी से पकड़ते रहता है, वो तो उसे लग रहा है कि सारे जानवर लघु और सीमांत किसान के जैसा ये छोटे नस्ल के गाय या जो भी हैं दुधारू पशु, गाय और बैल यहाँ दूर से भेद करना मुश्किल है, लेकिन एक लग रहा जैसे कारवा, अगर अब आज़ादी के समय का दृश्य को जब बात किया जाता है कि लोग पाकिस्तान से भारत की ओर आ रहे थे, तो उस तरह से लग रहा ये लौट रहे हैं। ऐसे गुदोली बेला अभी नहीं है, लेकिन अब समय उसी तरह का हो रहा है, जानवर लौट रहे हैं वापस और हम इनके पास लौट रहे हैं, इनको देख रहे हैं। ये कई अच्छा दृश्य बन रहा है मेरे लिए भी, शायद इस तरह का गाँव में भी देखते हैं तो दो चार बैल एक साथ चलते हैं, लेकिन एक लंबा लग रहा है जैसे कि अटारी से आ रहा बाघा से बांग्लादेशी हो जाएंगे, अब बीच में झारखंड से गुजर रहे हैं, इनके बीच का घुंघरू का आवाज़ शायद आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ये इन अब कहा जाता है जो लोग इस तरह का दुख मनाते हैं कि इन गायों को पालने से किसान को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दूध का उत्पादन कम प्राप्ति होती है, लेकिन वही लोग जब बीज के बारे में बात करते हैं कि बीज को बचा के रखें, नॉर्वे में एक बीज बैंक बना है, सीड बैंक, वहाँ दुनिया के हर बीज को, तो सोचिए जब आप बीज को संरक्षण के लिए बात करते हैं, और ये बहुत सारी सरकार खासकर बीजेपी गवर्नमेंट में तो छत्तीसगढ़ वगैरह में धान के जंगली धान का जंगली भिंडी का बीज बचा के रखा गया, ठीक है उसका वैज्ञानिक महत्व है कि अगर कभी आपदा के कारण या कोई संक्रमण कारण ये जो बहु फसली बहु उत्पादन वाले बीज नष्ट हो जाएंगे तो उनका भी प्रयोग किया जाएगा सीड बैंक के रूप में, तो फिर इन गायों के बारे में क्यों इतना नफरत जैसा। हाँ, ये अगर ये कम दूध देते हैं तो इनका शुरू से ये प्रकृति रहा है, ना कि ये अचानक रूप से कम देते रहे हैं। और ये कहा जाता है कि जो गाय जिस क्षेत्र में पाला जाता है उस क्षेत्र के लोगों को जिस पोषक तत्व की कमी होती है वो उस जगह से लोग से मिल जाता है, तो दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए इन जीवों में कुदरती रूप से इनमें छेड़छाड़ करने में नई बेहतर नस्ल के लिए एक अलग तरह का संक्रमण करने से कहीं ना कहीं कुछ तो एक
जैविक संकट उत्पन्न होगा, जब बीजों के लिए आप स्नेह रख सकते तो इन जीवों के लिए भी स्नेह रखिए कि इनका भी इसी रूप में रखा जाए। कम उत्पादन देते हैं पर हो सकता है इनके जो दूध में पोषक तत्व पाए जाते हैं जो यहाँ के लोगों के लिए ज़रूरत हो वो मिल जाता हो, वरना सिर्फ दूध में वसा की मात्रा और लैक्टोमीटर को धोखा देने के लिए उन नस्ल लोग पालने से क्या फ़ायदा जिनको पालने के लिए ही लोगों को कर्जदार होना पड़े, बैंकों से ऋण लिया जाए। कहा जाता है जब आप साहूकार के कर्ज से बच जाते हैं तो बैंकों के जकड़े में फंसते हैं। कहीं ना कहीं ऋण प्रथा के माध्यम से हमारे किसान जकड़े रहे हैं। और इंदौर में जो कृषि संस्थान है उसके बारे में कहा जाता है कि एक बार एक अंग्रेज आया था भारत और वो भारत में कृषि के बारे में सीखना चाहता था कि भारत के लोग कैसे कृषि करते हैं। तो जब वो भारत भ्रमण करने के बाद जब विदेश गया बोला भारत को कृषि के लिए सिखाया नहीं जा सकता है, भारत ऑलरेडी हम लोग से बेहतर है। तो किसान हर चीज़ वो जैविक यूज करते हैं खेती के लिए, हर मामलों में वो यूज ऐसा खाद का प्रयोग करते हैं उनको कर्ज से कर्ज का जरूरत न पड़े और हर चीज़ का एक पर्यावरण संतुलन हो। कुछ दिन पहले NCERT में एक बार पढ़ रहा था कि परंपरागत खेती और जैविक खेती, तो जो परंपरागत खेती का जिक्र किया गया था वो लगता है हरित क्रांति के समय का, और जैविक खेती का जिक्र किया गया जैसे लगता है कि 2010 के बाद जो खेती होगा जैविक खेती है और 1960 से परंपरागत खेती। तो बड़ा आश्चर्य और हंसी के जैसा लगा कि जो चीज़ सदियों से शुरू हो रहा है वो जैविक खेती नहीं है, वो 1960 से जो खेती है जिसमें रासायनिक खाद बीज और अंतर। हाँ, ये लग रहा है कि शंकर भवन का बाराती चल रहे हैं। ये देखिए, ये लग रहा है कि शंकर भवन का बाराती में सब बैल चल रहे हैं नंदी और हम भूतनाथ राक्षस। ये देखिए सब बैल आ रहे हैं मेरे साथ बैल, और ये लग रहा वो महाशिवरात्रि का काफिला चल रहा, सब बैल जा रहे हैं और ये कुछ पीछे पीछे आ रहे हैं मेरे साथ। और ये एक चीज़ है, इनका साइज छोटा होने से मन में डर कम लगता है कि आपको मारेंगे, या इनके सींग भी उस तरह के नहीं, कुछ जगह सांड दिख रहा लेकिन इस तरह का ऐसा नहीं है कि ये बैल आपको ढूंस देंगे यार। आपको छोटा छोटा है लेकिन घंटी अच्छा है, सब घंटी बजाते हुए चल रहे हैं। लगता है नया साल का जश्न मनाने के लिए अब लौट रहे अपने घरों में, दिन भर तो उधर खेत में काम हो गया, अब घर में लौटेंगे, अब घर में आनंद लेंगे। अक्सर देखा जाता है कि जो लोग हिमाचल प्रदेश जाते हैं या उत्तराखंड जाते हैं वो लोग बकरी या भेड़ को जरूर गोद में लेते हैं, गोद में लेके ऐसा फोटो खिंचाते हैं लग रहा है ईसा मसीह के बराबर, ईसा मसीह के बाद ना ऐसी थोड़ा आइए। कहाँ कहाँ घर आपका? बीरबीर? हमारा बीरबीर है। कैगो बैल है आपका? इसमें गाय कैगो है? सब गाय है? हाँ, बैल भी है गाय भी है। अब हम किसको कितना दूध कितना दूध देता है? गांव वाले का है कि आपका खुद अकेले है? ना, गांव वाला के अकेले गांव के है। तो उन्हें कने गया था चरेले, उन्हें बोन गया था का? हां, इधर गया था। अच्छा अच्छा, ये सब दूधा देता है? दूधा देता है, दूध कोनो कोनो देता है, किसको चीन है? तो जेकर जेकर घरवा है जाके दूधेगा कि नहीं इसको? अभी दूधेगा तो जरूर। चलिए ठीक है। हाँ ठीक है, जा जा। अरे दुनिया देख रहा आपको, दुनिया देख रहा, कुछ बोलना है दुनिया वालों से? नहीं, तो बोल दीजिए, कोई दुख है? कोई दुख है तो बोल दीजिए। दुख का रहेगा? कोई दुख नहीं है? नहीं, कुछ तो दुख होगा। अब ले रहे हैं तो दुख के मतलब? नहीं नहीं, दुख नहीं है, मतलब कुछ जानवर पाल रहे हैं, कोई खुशी है दुखी है कुछ तो है, और मन करता है? मन जिसको करेगा तो लेबे करेगा। चलिए बढ़िया है, है ना? मतलब और जैसे बड़ा बड़ा जानवर रहता ज्यादा दूध होता तब ना फायदा आपको कमाई होता। छोटकन कितना समय देते हैं? अब ये लोग छोटा छोटा है, कितना दूध करेगा? बड़ा बड़ा जानवर रहता तो बढ़िया सुख होता है। तो बड़का पालने का मन करता है? बड़का पालने का मन करता है? पालक तो मन करता है, पैसा लगता है, पैसा? अरे जिला गव भेज देंगे, अब जाइए आपको मिलेगा, जिला गव पदाधिकारी है। हाँ, हजारीबाग एक प्रमंडलीय मुख्यालय भी है तो इसके कारण यहाँ, और 1833 का जिला है तो भारत में जो भी काम जिला स्तर पे शुरुआत हुआ है वो यहाँ पर भी होता है। और अक्सर अभी जब बात बोले कि हम बड़ा मिलता तो बहुत बढ़िया रहता, लगता है जैसे वीडियो कॉन वाला प्रचार हो जाता। जिला गव्य पदाधिकारी और मत्स्य, बहुत सारे ऐसे मंत्रिमंडल जब बने थे, जब कहा जाता था कि जो मंत्रिमंडल का साइज बहुत बड़ा होता था भारत में या विदेश में बिहार में, तो उसमें बहुत सारे मत्स्य बहुत सारे मंत्री ऐसे ऐसे थे कि बड़ा आश्चर्य होता था कि एक जीव पे एक जानवर के संरक्षण के लिए भी एक मंत्रालय बना दिया गया है। अभी कृषि पशुपालन खनन मिला के प्राथमिक क्षेत्र में, लेकिन ये देखा गया कि जितना ये मेहनत करते हैं इतने जानवर को पालन करने के लिए इनकी आय उस तरह से नहीं बढ़ रही, तो कहीं ना कहीं आय को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय करना चाहिए नस्ल के सुधार के लिए। और कहा जाता है भारत दुग्ध उत्पादन में विश्व का नंबर 1 है,
लेकिन प्रति व्यक्ति उपभोग के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आबादी के लिहाज से ये बहुत कम है, 125 करोड़। मोदी जी के भारत जो लोग जनगणना में भूल गए थे, लेकिन इस सरकार के कारण सबको याद हो गया कि 125 करोड़ की आबादी है। और पशुधन में भी भारत अव्वल है। उस समय पहले याद है राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में ये पूछा था, राठी गाय कहाँ पाया जाता है राजस्थान में। अक्सर हम लोग कुछ गाय का नाम याद रखते हैं, लेकिन मेरू BSF में एक दोस्त पढ़ता था मेरा, उसका नाम था सुनील राठी, वो हरियाणा का था। तो हम बस यही लिंक याद रहा कि वो राठी था हरियाणा का, भाई गाय का नस्ल है राठी पूछ रहा। तो मैंने उत्तरी राजस्थान आंसर मारा था, पता नहीं क्या सही होगा। लेकिन जब भी हम दिल्ली से अम्बाला जाते थे, NDI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल दिखता था, और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट से जो भी बड़े बड़े सुधार हो रहे हैं जानवर में, वो छोटे स्तर पे नीचे नहीं आ पाता है। अक्सर वो बड़े बड़े शहरों या डेयरी के प्रोजेक्ट जो बड़े बड़े लोग हैं वहीं पर रह जाता है, और वो नस्ल के बारे में सिर्फ प्रौद्योगिकी परीक्षाओं में पढ़ते रहते हैं ताकि आपको जीविकोपार्जन के लिए कुछ नौकरी मिल जाए, और यहाँ पर पता नहीं चलता है। तो याद एक समस्या ये है आधुनिक जीवों और नस्लों के सुधार के लिए और परंपरागत के लिए संघर्ष की, इनको बचाया जाए ताकि जो भी इनका दूध में या पोषक तत्व में जो उन चीज़ों की प्राप्ति होती है जो शायद ना हो, उनको संरक्षित किया जाए। ये देखिए तो पक्षी भी वापस लौट रहे हैं, ये भी अब लग रहा है साल में अपना नया साल का जश्न मनाएंगे। कुछ समय पहले अभी देख रहे थे कि एक ब्लैक डोरंगो, ये सामने एक ब्लैक डोरंगो अगर जिसे कोतवाल पक्षी कहा जाता है, बढ़िया सी यात्रा कर रहा था उन बकरियों के पीठ पे। तो कई बार ऐसा लगता है कि फोटोग्राफर के रूप में अगर आप जैसे ही शहर से बाहर निकलते हैं, एक से एक अवसर मिलता है कि तरह तरह की चीज़ों को आप फोटो देख सकें। जब मध्य भारत के पठार सेंट्रल इंडिया में जब आप घूमते हैं, खासकर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र का उत्तरी हिस्सा, तो उस तरह समय का जो दृश्य दिखता था वो आप झारखंड में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका एक रूपता पूरे दिख सकता है आप इसमें। लेकिन यहाँ पेड़ चूंकि कम है, ये क्षेत्र देखिए पूरा समतल, ये लग रहा है क्रिकेट का स्टेडियम बनने के लिए बहुत बेहतर जगह हो। कहीं जगह चूनी मिट्टी के भट्ठे, अन्य पशु पक्षी एक है, अगर आप पेंटर हैं तो आपके लिए एक लैंडस्केप है, अगर आप कृषि वैज्ञानिक हैं तो आपके लिए एक समस्या है। समस्या ये है कि इन खेतों में सिंचाई का साधन, अभी चेक डैम इस साल सरकार ने दिया है कि चेक डैम बनाने के बारे में 10 बृहद परियोजनाओं को केंद्र सरकार द्वारा पोषित होने की बात की गई है, कि झारखंड सरकार चाह रही है कि 10 परियोजनाओं को इस बार केंद्र सरकार फंडेड करे, बाकी 400 से ऊपर जो है लघु सिंचाई परियोजनाएं चेक डैम का निर्माण करने की बात किया गया। लेकिन कई जगह चेक डैम को देखा गया है कि वो सुदूर ऐसा क्षेत्र में बना दिया गया है कि बस सरकार के पास बन गया, वहाँ पानी स्टोर भी हुआ लेकिन खेत ही ऊंचा है। तो कहने का मतलब है कि या तो जल जमाव क्षेत्र विकसित हुआ तो वो पानी ऊपर कैसे जाएगा, अगर ऊंचाई पे अगर पानी को रोक देते हैं तब तो बन जाएगा, लेकिन जहाँ पर पानी को रोका जाता है वहाँ से फिर खेत ही ऊंचा पड़ जाता है, पानी नीचे लगता है तालाब, और फिर आपको एक अलग से उसके लिए सब्सिडी चाहिए जिससे कि आप पानी को टाँग सके। तो अगर आप कभी हैं तो कविता भी लिख सकते हैं। कहाँ गया सूरज, सूरज डूब रहा है, ये देखिए सूरज डूब रहा है, सूरज को डुबाते हुए कोई कविता लिखिए। यहाँ पे हरियाली कम है लेकिन ये जो सूखे घास को देख के कविता लिखिए। ये देखिए कहीं लाल मिट्टी को देख के आप पेंटिंग बनाइए। सामने ये सब वो पहाड़ है, सिलवार पहाड़ के दो कारण से लोग ज़्यादा जानते हैं। एक तो यहाँ मेला लगता है जो जगन्नाथपुरी का मेला बोलते हैं उड़ीसा में, खासकर वो जगन्नाथपुरी का जो मेला वो सबसे ज़्यादा पूरे भारत में लोग जानते हैं, और उसका क्षेत्रीय संगठन वन के रूप में रांची में भी है, हजारीबाग में, उस समय ये सिलवार मेला लगता है। और एक BSF का ट्रेनिंग सेंटर जो पहाड़ के पीछे है, इस कारण से उसके ऊपर एक वॉच टावर है, शायद यहाँ से दिख नहीं सकता है। उस वॉच टावर के बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर इसी रास्ते से गिरिडीह होते हुए बंगाल से आए थे हजारीबाग, तो उस सिलवार के बारे में उन्होंने एक किताब का जिक्र किया, और हजारीबाग में उन्होंने कुछ समय बिताया है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो उस समय ये एक बहुत प्रमुख मार्ग था बंगाल से यहाँ आने का, GT रोड तो था लेकिन एक और रास्ता जिसके बारे में वो जिक्र किया गया, अगर GT रोड के अलावा बंगाल आने का कोई रास्ता था तो यही एक रास्ता था एक उपशाखा के रूप में, जिससे कि आप झारखंड हजारीबाग आ सकते हैं। उसमें के लिए चतरा होते आ गया और जाता था। अब
बैल चला गया तो लग रहा है जैसे कि ये पूरा इसका जो निवासी है इस क्षेत्र का खुले में चरने वाला निवासी चला गया। अब छोटे छोटे निवासी जिनकी आबादी कम है, जिनका प्रभाव सीमित है, अब वो दिख रहे हैं, क्योंकि बृहद आबादी तो उन बैलों की थी, अब इन बकरियों की है। अब इन बकरियों को लोग कम संख्या में ये पकड़ में आएंगे नहीं कि पकड़ के मैं ईसा मसीह बन के दिखाऊँ कि मैं बकरी को लेके फ़ोटो खिंचाता हूँ, लेकिन हिमालय में अक्सर लोग को देखते हैं कि ज़रूर वो करते हैं। वो लड़का, उसको पता नहीं था, वो बता रहा था कि उस पर बैठ के फ़ोटो खिंचाइए। वो जो मानव है जिस आकृति का, जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे कि वो एक एंथ्रोमॉर्फिक रॉक है। झारखंड में न जाने कितने जगह ऐसे हैं जिनके बारे में लोगों को बताया जाना चाहिए सार्वजनिक रूप से। सुभाषिस दास ने कहा था कि मैं हिस्ट्री के विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री डिपार्टमेंट में और एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में कब से बोल रहा हूँ कि इनको जोड़ते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए और बच्चों के इनके महत्व के बारे में बताया जाए, लेकिन अभी तक वो कभी हुआ नहीं है। सच्चाई ये है कि हो सकता है आप इतिहास के शिक्षक हों तो आपको मेगालिथ के बारे में ज़्यादा जानकारी ना हो, या अगर आप एंथ्रोपोलॉजी के शिक्षक हैं तो मेगालिथ जानते हैं तो एंथ्रोपोलॉजी नहीं। और कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो जनजातीय कलाओं के लिए और ट्राइबल स्टडी, अब तो अमरकंटक में एक राष्ट्रीय ट्राइबल विश्वविद्यालय भी खुल गया है, बहुत सारे विश्वविद्यालय खास कराची में ये खुला है ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज का कोर्स। तो ये समस्या ये है कि व्यक्ति जोड़ नहीं पाता है, अगर उस रूप से आपका ओरिएंटेशन नहीं हुआ और आगे के दिनों में जब आप भविष्य में उस तरह के शिक्षक नहीं होते हैं या अपने ज्ञान क्षेत्र का विस्तार ज़्यादा नहीं करते, समावेशन नहीं करते, तो इन चीज़ों को आप जोड़ नहीं पाते हैं और बस आप बीए एमए तक रटा रटाया पाठ्यक्रम को ही पढ़ाते रहते हैं और ये दावा करते हैं कि हम किताब कभी नहीं खोलते हैं। हो सकता है कि क्लास में न खोले और घर में भी न खोलते हैं, और ये आपका अभिमान कहीं ना कहीं नई पीढ़ी को बर्बाद करता है कि आप इतने काबिल हो गए तो 1970 में अगर आप पीजी किए पीएचडी किए तो 2017 तक आपको किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपने एक अपने जमाने में गोल्ड मेडलिस्ट थे, वही अहम जो है बाद में लोगों को डुबाते रहता है। और इसके कारण क्या होता है कि न तो आप नई चीज़ों को सीखते हैं, नई चीज़ों को बताने में आपका रुचि रहता है, बस जो रटा रटाया पाठ्यक्रम चल रहा है वही सब पढ़ते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से वो पहाड़ को देखिए जिसको पहाड़ी के बारे में कह रहे थे हम, ये स्त्री का शरीर का जैसा दिखता है, लग रहा है एक लेटी हुई स्त्री है। ठीक है, आप सबको एक बार पुनः मेरी तरफ से नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। टाइम लाइन पर लिखने से बच गए, जो टाइम लाइन पर लिखना पड़ता कि नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुझे राहत मिला लिखने से, या मेरा सौभाग्य कि आज यहाँ लाइव हो गए, तो लिखने में तो बहुत मुश्किल।